हेलो, दिस इज नरेंद्र सिंह एंड वेलकम टू सॉलिंग स्टडी पॉइंट। कंटिन्यू कर रहे हैं हम क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, राइज ऑफ नेशनलिज्म। आप सोच रहे होंगे काफी वीडियोस आ चुके हैं, चैप्टर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट, इसके काफी यूनिट्स हैं, लगभग इस चैप्टर के 6 यूनिट्स हैं, आप लोगों को क्लियरली होगा। तो थर्ड यूनिट अपना है वो कंटिन्यू चल रहा है, एज ऑफ रिवॉल्यूशन। तो अपन ने रिवॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ ली थी, एक टाइम स्केल पढ़ी थी अपन ने 1789 से लेकर के 1848 का जो टाइम पीरियड है उसको पढ़ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो अब अपन देखेंगे एज ऑफ टाइम पीरियड जो है अपना 1830 से 1848 का जो टाइम पीरियड है एज ऑफ रिवॉल्यूशन उसको अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अपन यह देखेंगे रिवॉल्यूशन जो आए ना, ठीक है, वो कहां से स्टार्ट होते हैं और एक ये बंदा है ड्यूक मेट्रेनिक। ये ऐसा बंदा है जो अपन ने देखा कि कंजर्वेटिज्म को सपोर्ट कर रहा है और जो भी नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए जो कुछ करना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ये जो है उठपटांग कुछ ना कुछ बोलता रहता है। पहले भी अपन ने देखा कि जोसेफ मज़ेनी के लिए उसने कुछ कहा, यहां एक बार फिर वापस कुछ कह रहा है, तो वो अपन देखेंगे। पहले देख लेते हैं रिवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड था उसकी शुरुआत कहां से होती है। उसकी शुरुआत होती है जुलाई 1830 से, और कहां से स्टार्ट होती है, फ्रेंच से। आप देखेंगे एक बार पहले भी अपन ने पढ़ा रिवॉल्यूशन कहां से स्टार्ट हो रहा था, फ्रेंच से। इस बार वापस जो रिवॉल्यूशन की जो है टाइम पीरियड स्टार्ट होगा वो भी इसी से होगा। तो इस पूरे सेंटीमेंट को देख करके ड्यूक मेट्रेनिक ने एक वर्ड कहा है, व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, कि जब जो है फ्रांस स्नीज करता है मतलब छींकता है, तो जब फ्रांस छींकता है तो पूरे के पूरे यूरोप के अंदर मतलब पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। मतलब रिवॉल्यूशन जैसे फ्रांस में कोई एक्टिविटी होती है एज इट इज वो पूरी की पूरी जो है यूरोप में उसको फॉलो की जाती है। तो यहां से जो है फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन शुरुआत होगी और फिर कंटिन्यू रिवॉल्यूशन की जो है वो चलता जाएगा और फाइनली जो नेशन स्टेट है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ टेरिटरीज अभी बन चुकी है, कुछ आगे और बनने वाली, तो अपन देखेंगे। जो फ्रांस अपन ने देखा बिफोर 1830, अपन ने देखा कि जो 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, उस बैटल ऑफ वाटरलू के तहत अपन ने देखा था कि जो नेपोलियन था उसको हरा दिया गया था और वहां पे बर्बन डायनेस्टी है उसको रीस्टैब्लिश कर दिया था, यानी जो डिक्टेटरशिप जैसा कुछ नेपोलियन लेके आया था उसको हटा करके कॉन्स्टिट्यूशन वो ओनली मोनार्की वहां पे लेके आ गए थे। तो अब अपन यहां देखेंगे कि जो मोनार्की जो बर्बन डायनेस्टी चलती थी उसको कैसे वो ओवरथ्रो करेंगे और किस तरीके से वापस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेकेंगे। तो बात कर रहे हैं अपन कि 1815 में वापस बर्बन डायनेस्टी रीस्टैब्लिश हो गई, तो बर्बन किंग वॉज ओवरथ्रो। तो अब होगा क्या इस टाइम पीरियड में, ये जो 15 साल का जो टाइम पीरियड है, इस 15 साल के टाइम पीरियड में इसने काफी जो है पब्लिक के ऊपर काफी इन्होंने जो है जुल्म किए जिसकी वजह से पब्लिक फाइनली इसको ओवरथ्रो कर देगी। और होगा क्या, ओवरथ्रो करने के बाद क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बाद स्टेप, ठीक है, सेटअप। अपन ने देखा कि जो है पहले मोनार्क थी, ठीक है, फिर रिपब्लिक हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, फिर डिक्टेटरशिप आई, वापस मोनार्की आ गई। तो वापस यहां पे वो मोनार्की को थ्रो कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। अब एक शब्द आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क यानी कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो आपके जो डेमोक्रेसी उसमें चलता है, मोनार्की एक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट अलग है, ये फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट अलग है। तो वर्ड है एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल और एक मोनार्क। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब जहां पे नेशनल असेंबली है वो गवर्नमेंट को चलाए, और मोनार्क कैसे जहां पे राजा भी रहे, मतलब नेशनल असेंबली भी रहेगी और राजा भी रहेगा, राजा नाम मात्र का रहेगा, चलाएगी ये इसका हेड रहेगा, बाकी इसका कोई काम नहीं है। तो फाइनली होता क्या है, लुई 16 वहां का हेड बना दिया जाता है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली है वो रिस्टैब्लिश हो जाती है, मोनार्क हट जाता है और मोनार्क की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आ जाती है। तो अब फ्रांस के ही नेबर्स में होता है ब्रुसेल्स, ठीक है, बेल्जियम। तो अब बेल्जियम जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है, तो अपन देखेंगे कि बेल्जियम की जो कैपिटल ब्रुसेल्स उसमें क्या होता है। ब्रुसेल्स की भी एक छोटी सी कहानी है कि नीदरलैंड है इससे सेपरेट होता है, ठीक है, होता क्या है, बेल्जियम गोट सेपरेट फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, वो भी जो है इनकी जो क्रिश्चियनिटी होती है उसकी वजह से इनका जो है सिस्टम अलग होता है और इनका सिस्टम अलग होता है, तो फाइनली ये नीदरलैंड से अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं। यहां से स्टार्ट हुआ फिर इनके अंदर चला। अब सेकंड देखो, सेकंड होता है अपने ग्रीक में, तो ग्रीक का थोड़ा सा मैटर थोड़ा लंबा छोड़ा इसको अपन आराम से समझेंगे। ग्रीक है क्या, तो देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बॉर्डर है, तो इधर है अपना यूरोप और इधर है अपना एशिया, तो ये अपने एशिया और यूरोप का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के ऊपर आपको जो ग्रीस है ये दिखेगा। तो बॉर्डर के इधर अपन एशिया में देखेंगे तो यहां क्या था, यह था टर्की, और इधर क्या है अपने क्रिश्चियंस है, ठीक है। तो अब होगा क्या, जो क्रिश्चियनिटी के जो फॉलो करने वाले लोग हैं
अब जो ग्रीक है इसको क्या मानते हैं, ये मानते हैं कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, मतलब यूरोपियन सिविलाइजेशन जहां से चला था। जैसे आप अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिंधु घाटी सभ्यता, जो नेशनल सिंधु वैली जो सिविलाइजेशन उसको पढ़ते हैं तो उसको अपन बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, उसी तरीके से जो यूरोपियन लोग थे इस ग्रीक को कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन मानते थे। इसकी वजह से जो यूरोपियन लोग हैं इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। रूल्ड बाय ऑटोमन टर्की एम्पायर, और इस ग्रीक के ऊपर रूल कौन कर रहा था, जो ऑटोमन एम्पायर है, ठीक है, आपके जो टर्की लोग हैं ये टर्की कर रहे थे, ऑटोमन एम्पायर का जो रूलर था वो टर्की थे, तो ऑटोमन एम्पायर वहां पे रूल कर रहा था। देखो सिविलाइजेशन यूरोपियन का है तो यूरोपियन जो है इसके उनके जो है रिलीजियस कनेक्टेड है इसके साथ, और ऑटोमन एम्पायर उसके ऊपर रूल कर रहा है तो फाइनली ऑटोमन एम्पायर से इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो अब होगा क्या, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल होगी, ठीक है, इन 1932। उससे पहले देखो एक नाम लिखा हुआ, पोएट लॉर्ड बायरन। इस लॉर्ड बायरन ने क्या किया, लॉर्ड बायरन जो है इस सिविलाइजेशन की वजह से, उसके जो रिलीजियस कनेक्टेड थे उसकी वजह से क्या करता है, काफी जगह जाता है, लोगों से जो है मनी कलेक्ट करता है और लोगों को, ठीक है, ये जो इनका स्ट्रगल होता है उस स्ट्रगल में भी ये जो है पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ये होता क्या, फीवर की वजह से इसकी डेथ हो जाती है। बहुत मतलब इसने बहुत रोल प्ले किया, लेकिन फाइनल जो स्टेप होता है उस स्टेप से पहले इसकी डेथ हो जाती है। तो इसका कभी कभी वन मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, कौन से पॉइंट थे जिन्होंने जो है कॉन्स्टेंटिनोपोल की जो ट्रीटी है या ग्रीक जो वॉर है ऑफ इंडिपेंडेंस है उसमें जो मेन रोल है वो प्ले किया था। तो आप यहां समझ चुके होंगे, जुलाई का रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, ब्रुसेल्स का यानी बेल्जियम का, और उसके बाद अपन ने ग्रीक का, ये तीन अपन ने देख लिए। यहाँ पे ये जो रिवोल्यूशन चल रहे थे उसके अंदर एक नई चीज और अपने को देखने को मिली, अपन ने जो है लिबरलिज्म समझा, अपने नेशनलिज्म समझा, अपन ने कंजर्वेटिज्म समझा, अपन ने रेडिकल्स अपन ने देखे, ठीक है, जोलबरीन अपन ने देखा, ये सारी चीजें अपन देख चुके। अपन वहां एक और चीज अपने को देखने को मिली, जब पोलैंड का जो स्ट्रगल हुआ, पोलैंड का जो इंडिपेंडेंस का जो वार हुआ, उसमें अपन ने एक चीज देखी, एक नई आइडियोलॉजी आई, उसका नाम था रोमेंटिसिज्म। तो आप यहाँ वर्ड से नाम जो है इसमें देख सकते हो, रोमेंस, यहाँ वो वाला रोमेंस लेकिन नहीं है ना, आपने को यहाँ रोमेंस का मतलब प्रेम, लव की जो है अपने कंट्री के प्रति जो लव है उसको इफेक्ट करना, अपने कंट्री के साथ अपने रिलीजियस, ठीक है, अपनी हेरिटेज के साथ जो है अपने कनेक्शन जो डेवलप करना, वो सारी चीजें अपन देख सकते हैं। इसका मीनिंग यानी अ कल्चरल मूवमेंट, अपने कल्चर के साथ किस तरीके से, रोल ऑफ कल्चर इन क्रिएटिंग द नेशन ऑफ आइडिया ऑफ नेशन, कि नेशन का आइडिया क्रिएट करने के लिए किसका रोल प्ले करवाना है अपने को, कल्चर का, अपने ट्रेडिशंस का, अपने जो रिलीजियस जो पॉलिसीज है उनका अपन जो है यूज करके जो नेशनलिज्म का जो आइडिया है उसको अपन जो सिटीजन उनमें डेवलप करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने आर्ट का जो है वो हेल्प ली, पोइट्रीज जो है उन्होंने वो डेवलप करी, स्टोरीज उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, म्यूजिक का हेल्प लिया, क्योंकि अपन देखेंगे क्योंकि उस टाइम पीरियड में सभी लोग जो है एजुकेटेड तो थे नहीं, ठीक है, तो जो स्टोरीज वो लोग पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए तो उनके लिए पोइट्स, म्यूजिक, ठीक है, ये सारी चीजें की ताकि वो पढ़ नहीं पाए क्या कम से कम सुन पाए, ड्रामास जो है वो अलग अलग जगह प्ले किए गए, ठीक है, ताकि वो उनको देख करके समझ पाए, किसके लिए, एक्सप्रेस द शेप नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट फीलिंग, किसके लिए, कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसके अंदर किस तरीके से उनमें डेवलप की जाए, किस चीज को कनेक्ट करके, कल्चर को। तो देखेंगे क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस, ठीक है, ये इसको एक्सेप्ट करते थे लेकिन क्रिटिसाइज भी करते थे, वो जो है आपका रीजन और साइंस, इन दो चीजों की वो हमेशा क्रिटिसाइज करते थे कि आपको हर जगह जरूरी नहीं है कि रीजन और साइंस को आप घुसेड़ो, ठीक है, हर जगह आपको इन चीजों को घुसेड़ने की जरूरत नहीं है, कहां जहां वो एक कहावत है ना हिंदी में कि जहां पे अगर कलम से काम हो रहा था वहां आपको तलवार लगाने की जरूरत नहीं है, तो वो यही कह रहे हैं कि जब प्रेम से, रोमांस से जब जहां काम हो रहा है तो वहां पे आपको रीजन और साइंस डालने की जरूरत है नहीं है। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, ये जो इमोशंस है वो डेवलप करने के लिए उन्होंने रोमेंटिसिज्म नाम की जो फीलिंग है वो क्रिएट करी। उसके बाद हुआ क्या, एक कल्चरल मूवमेंट हुआ, किसको डेवलप करने के लिए, नेशनलिस्ट जो सेंटीमेंट्स है अपने देश के प्रति, जो सेंटीमेंट्स है, जो फीलिंग्स है, जो भावनाएं है अपने देश के प्रति, जो प्रेम है वो डेवलप करने के लिए रोमेंटिसिज्म काम में आया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आपके सामने पोलैंड, यानी पोलैंड का जो यूनिफिकेशन है या पोलैंड का अपन कह सकते हैं जो इंडिपेंडेंस का जो, ठीक है, जो भी पूरा स्ट्रगल लड़ा गया वो किस आइडियोलॉजी पे लड़ा गया, रोमेंटिसिज्म, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। आईएसएम मतलब एक
आइडियोलॉजी। तो अपन ने ये पूरा का पूरा देखा, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, वापस रिकैप कर लेते हैं कि ड्यूक मेटर्निक जो है, एक बार पहले भी अपन ने देखा कि जुसेपी मज़िनी के बारे में बताया उसने, तो वन मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि ड्यूक मेटर्निक जो है वो रिवॉल्यूशन के ऊपर, फ्रांस के रिवॉल्यूशन के ऊपर क्या उसने कमेंट किया था, या फ्रांस का रिवॉल्यूशन है वो सेकंड, ठीक है। पहले अपन ने देख चुके हैं कि 1789 में फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, बाबन डायनेस्टी जो है उसको हटा करके कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आई, फिर नेपोलियन आया और 1815 की बैटल ऑफ वाटरलू के बाद वापस रीस्टैब्लिश कर दिया गया था बाबन डायनेस्टी को। अब वापस उसको यहां से वापस ओवरथ्रो कर दिया गया और लुई 16 को वहां का हेड बना दिया गया, ठीक है। बेल्जियम जो है नीदरलैंड से सेपरेट हो गया, ग्रीक है वो ऑटोमन एम्पायर से ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल 32 के तहत वो भी जो है इंडिपेंडेंट हो गया है, और अपन ने रोमेंटिसिज्म आइडिया है उसके द्वारा भी पोलैंड को अपन ने इंडिपेंडेंट करवा लिया है। तो अब जो है अपन ने 1832 से 1848 का जो एक टाइम पीरियड है, स्केल है, उसके कुछ स्टार्टिंग रिवॉल्यूशन है वो देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।